एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का जलवा जारी है। भारतीय बॉक्सर अमित पंघल और कविंदर सिंह बिष्ट ने चैंपियन खिलाड़ियों को मात देकर भारत की शान बढ़ा दी है। अमित पंघल ने 52 किलो कैटेगरी में 2018 एशियन गेम्स के अपने प्रदर्शन को रिपीट करते हुए मौजूदा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हसनबाय दुस्मातोव को हराया, जबकि कविंदर सिंह बिष्ट ने 56 किलो वर्ग कैटेगरी में 2017 के विश्व चैंपियन किरात यिरालियेव को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस तरह इन दोनों मुक्केबाजों की शानदार सफलता के दम पर भारत ने बैंकॉक में जारी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपने 4 पदक पक्के कर लिए हैं। जब से इस टूर्नामेंट का ड्रॉ निकला है, सबकी नजर पंघल और दुस्मातोव के बीच होने वाले मुकाबले पर थी। दुस्मातोव एशियाई चैंपियनशिप में 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1 बार विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। रोहतक के मुक्केबाज अमित पंघल पहली बार 52 किलोग्राम वर्ग में कोई महाद्वीपीय प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। इससे हालांकि परिणाम नहीं बदला और पंघल ने दुस्मातोव को हराते हुए एक बार फिर से खुद को श्रेष्ठ साबित किया। इन दोनों के बीच अब तक यह 4थी भिड़ंत थी। स्ट्रेंजा कप गोल्ड मेडल विजेता पंघल ने इनमें से 2 में लगातार जीत हासिल कर ली है। पंघल ने दुस्मातोव को 4-1 से हराया और 2017 के बाद इस प्रतियोगिता में 2रा पदक जीतने की उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दुस्मातोव ने 2017 में कांस्य पदक जीता था। यह इत्तेफाक ही है कि 2 साल पहले इस चैंपियनशिप में दुस्मातोव ने ही पंघल का सफर समाप्त किया था। दुस्मातोव को हराने के बाद अमित पंघल ने अपनी सफलता की कहानी बताई। उन्होंने कहा, मैंने अपने कोचों के साथ अब तक जो भी रणनीति बनाई है वह आज काम आई। मैं खुश हूं और इस जीत ने मेरा मनोबल ऊंचा किया है और इसके दम पर मैं गोल्ड मेडल जीतने का प्रयास करूंगा। मैं अगले मुकाबले के लिए सटीक रणनीति पर काम करूंगा और घर में कम से कम गोल्ड मेडल लेकर लौटने का प्रयास करूंगा। वहीं दूसरी ओर कविंदर सिंह बिष्ट भारत के दूसरे स्टार रहे। कविंदर ने 2017 के विश्व चैंपियन रहे कजाकिस्तान के किरात यिरालियेव को 3-2 से हराते हुए आगे का सफर तय किया और अपने लिए कम से कम 1 पदक भी पक्का कर लिया।